आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी के विषय में। एकादशी 4 अप्रैल को है या 5 अप्रैल को है? इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इस विषय में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी इस एकादशी की कथा को भी ध्यान से सुनेंगे। एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही ये पता चलता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से इसके विषय में प्रश्न किया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इस व्रत को इसका लाभ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही प्रश्न जो तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, हम तुम्हें एक कथा सुनाते, ध्यान से सुनो। चित्ररथ नामक एक वन है जहां पर इंद्र अप्सराओं के साथ रमण करते रहते हैं, वहां आते हैं, मतलब एक भ्रमण का स्थान है, कभी भी आए जाए। तो वहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम था मेधावी, वो तपस्या कर रहे थे। और इंद्र का तो स्वभाव है कि वो किसी की तपस्या देके प्रसन्न नहीं होता, वो डरता है। तो इंद्र ने एक मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को उनकी समाधि भंग करने के लिए भेजा। वो युवा थे ऋषि उस समय, मेधावी ऋषि जो बड़े युवा थे, और ऋषि ने जब उनके हाव भाव को देखा, भाव भंगमाओं को देखा, अप्सरा की अप्सरा थी तो सुंदरी होगी, इतनी सुंदर थी और मन एकाग्र नहीं रख सके ऋषि, और उस अप्सरा में उनका ध्यान गया। तो उनसे बात करने के लिए चर्चा, वो तो आई इसी के लिए थी। तो 97 साल तक उस अप्सरा के साथ रहे। और एक दिन उस अप्सरा ने कहा कि अब आप हमें अनुमति दें, अब हमको जाना है। तब उन्हें अचानक से याद आया, करे राम राम राम, ये तो इसने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमारी तपस्या भंग कर दी, हमारा ब्रह्मचर्य भंग कर दिया, और इसके रूप लावण्य में हमको मोहित हो गए। सब की जिम्मेदारी ये है, ये जानबूझ के आई, प्लानिंग के संग आई। तो ये भाव रखकर मेधावी ऋषि ने उसे साफ दे दिया कि पिशाच नहीं हो जा। तब उसने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब हमसे अपराध जो हुआ वो हुआ, अब हमको क्षमा करो, और हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने बताया कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, उसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आदि आदि एक क्रम है। तो ऐसी पिशाचनी बनी हुई उस अप्सरा को भी इस एकादशी के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है पाप मोचनी, उससे उसको मुक्ति मिल गई। इस दिन हमें भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण माने जब भी मैं नारायण कहता हूं, क्योंकि एकादशी के विषय में उन्हीं की चर्चा आती है, तो आप यहाँ अपने इष्ट की बात कर सकते हैं, भगवान श्री राम की बात कर सकते हैं, कृष्ण की बात कर सकते हैं, शिव की बात कर सकते हैं। इस दिन वैसे नारायण के स्वरूप मतलब राम कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए एकादशी के दिन। तो अपने आराध्य की पूजा करें, बड़ा सुंदर सा उनका अभिषेक करें, अभिषेक के बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनाएं, उनका जाप करें, सत्य बोले, क्रोध न करें, असत्य न बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अन्न का त्याग करें, और जितना हो सके गाय की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। जो भी दान पुण्य आप लोग कर सकते हैं, एकादशी के दिन किया हुआ दान पुण्य श्रेष्ठ होता है, तो जो भी आप कर सकें वो आपको करना चाहिए। और ये व्रत रहेगा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी रहेगी। और इसका जो पारायण का समय है वो भी ध्यान से सुन लें, पारायण का समय 6 तारीख को रहेगा, और वो समय रहेगा 6:18 से 7:20 तक। तो आप पारायण इस समय कर सकते हैं। इस कथा को एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। व्रत करते हैं लोग पर कथा नहीं सुनते हैं तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए
जिस व्रत को हम करते हैं उस दिन हमें ध्यान से उस व्रत की कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा उस व्रत में निष्ठा होती है और फिर हम भी मन से कथा सुन पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कथा को सुनवाइए और आप भी सुनिए। प्रिया कंजू सरकार आप सबके मनोरथ सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।